इस समय जब SUVs ने मार्केट में अपनी एक अच्छी पकड़ बना रखी है, एक हॉट हैच ड्राइविंग एंथुजियास्ट्स को और भी ज़्यादा पसंद आती है और फ्रेश दिखती है। और Hyundai i20 N लाइन को बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर्स के लिए जल्द ही मार्केट में लेके आने वाली है, वो जो अपनी गाड़ी में एक स्पोर्टी अपील चाहते हैं। और Hyundai N लाइन i20 बहुत स्पोर्टी दिखती है, बिल्कुल काफ़ी रेसी एक डिज़ाइन एक डिमीनर है इसका। सामने पियानो ब्लैक थिंग जो है वो डोमिनेट करता है पूरे लाइन को। और ये N लाइन है, फुल ब्लोन N मॉडल नहीं है, सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आपको कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलते हैं और बहुत सारे मैकेनिकल अपडेट्स भी मिलते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो सामने का जो ग्रिल है ये चेकर्ड फ्लैग पैटर्न में फिनिश है, N लाइन की बैजिंग है यहाँ पे, और सेम नीचे भी पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलती है इन स्कर्ट्स पे रेड हाईलाइट्स के साथ। अगर आप साइड में आएंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जो है वो जाएगी इन 16 इंचेस अलॉय व्हील्स पे, डुअल टोन फिनिश है, काफ़ी अच्छी दिखती हैं। एंड पियानो ब्लैक जैसा मैंने बताया डोमिनेट करता है, सो डुअल टोन में फिनिश है, सारे जो 6 बॉडी कलर ऑप्शन है सब में आपको डुअल टोन फिनिश मिलता है। और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको विंग मिरर में भी मिलता है यहाँ पे। और नीचे जो हाईलाइट्स आपको मिलते हैं ये भी पियानो ब्लैक साइड स्कर्ट्स पे रेड हाईलाइट्स हैं। तो अगर गाड़ी के पिछले हिस्से की बात की जाए तो ये भी काफ़ी स्पोर्टी दिखता है, लेआउट बिल्कुल सेम है स्टैंडर्ड i20 के जैसे ही, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर मिलता है, फिर पियानो ब्लैक में ही फिनिश किया गया है ये। और सेम ट्रीटमेंट आपको यहाँ कैरेक्टर लाइन के ऊपर भी मिलते हैं। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ड्यूअल टोन क्रोम एग्जॉस्ट टिप्स भी यहाँ पर मिलते हैं। और Hyundai बताते हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी ट्यून किया गया है एक साउंड अपील को बढ़ाने के लिए। और फिर सेम पियानो ब्लैक हाईलाइट्स आपको यहाँ पर स्कर्ट्स पे डिफ्यूज़र पे भी मिलते हैं। अब गाड़ी की डायमेंशन की बात की जाए, ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, तो बिल्कुल सेम है जो स्टैंडर्ड i20 के जैसा है, कोई बदलाव वहाँ पर नहीं की गई हुई है। अब i20 N लाइन का जो कैबिन है वो भी काफ़ी स्पोर्टी दिखता है और एक्सटीरियर के हिसाब से काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। और आपको यहाँ पर काफ़ी एक ऑल ब्लैक कैबिन मिलती है रेड हाईलाइट्स के साथ, सो यहाँ पर एयर कॉन्वेंट्स पे रेड हाईलाइट्स है। देन आपको स्पेसिफिक ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो इंस्पायर्ड है और ये काफ़ी अच्छा पैडल शिफ्टर्स के साथ भी आता है, होल्ड करने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। फिर इंस्पायर्ड गियर लीवर भी मिलते हैं आपको और ब्लैक अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है सीट्स पे रेड स्टिचिंग के साथ। ये चेकर्ड ब्लैक थीम भी है एंड N ब्रांड लोगो भी है यहाँ पर। रेड हाईलाइट्स आपको ग्रैब हैंडल्स पे भी मिलते हैं यहाँ पर और छोटा सा एक पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी मिलता है। फीचर्स के मामले में ये बिल्कुल एस्टा और एस्टा ऑप्शनल के ही मुकाबले है, आपको सेम फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर। 10.25 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, कनेक्टेड कार सीट मिलती है आपको, वायरलेस चार्जर है, क्लाइमेट कंट्रोल है एंड वो सारे फीचर्स जो एस्टा और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में हैं वो सब आपको इसमें मिलते हैं यहाँ पे। तो ये जो इंजन है वो सेम आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो i20 से ही सोर्स किया गया हुआ है और सेम स्टेट ऑफ ट्यून में। सो 118 ब्रेक हॉर्स पावर और 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क आपको मिलता है। सेम ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी है, 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है वो। अब जो इसकी स्टीयरिंग ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी हैवी बनाई गई हुई है ज़्यादा एजिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो भी 30% ज़्यादा स्टिफ है पहले के मुकाबले, जो स्टैंडर्ड i20 के मुकाबले। Hyundai i20 N लाइन अब भी 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 9.9 सेकंड्स में ही तय करती है और इसके इंजन में कोई अपग्रेड नहीं किया गया हुआ है, लेकिन इसकी पोजिशनिंग स्टैंडर्ड i20 लाइनअप के ऊपर होगी, तो हम यहां पर प्राइसेस में तकरीबन 1.5 लाख का प्रीमियम देखने की उम्मीद कर रहे हैं।